वैसे यार फ्रेंड्स, इसके बारे में पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपने चैनल पे डाली हुई हैं और डाल चुका हूँ। जो मैं वीडियोस उसको आप रेगुलरली देखते हैं तभी आपको जो है चीज़ें तरीके से समझ में आएंगी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अभी तक मैंने जो बात किया है, अभी तक प्रेजेंट के चारों रूपों को मैंने कवर कर लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस फार का यूज़ मैंने अच्छे तरीके से उसमें करवा दिया है। सिंस के लिए मैंने अलग से एक अच्छे से वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ अलग से जो है सिंस के बारे में बताया हुआ था। यानी कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस को पूरे तरीके से कवर कर चुका है और अच्छे तरीके से उसको मैं समझा चुका हूँ। तो आप उसको जाके देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सारी वीडियोज़ को आप शुरुआत से देखते आइए और चीज़ों को समझते आइए, फिर इस वीडियो को देखिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को यहीं से देखते रहिए। लेकिन फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप शुरुआत से ही वीडियोज़ को देखते आइए, क्योंकि मैं यहाँ ग्रामर को एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और आप यहाँ से चीज़ों को जो है सीखते चलिए और समझते चलिए और शुरुआत से देखिए, तभी जो है चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। तो मैं आज बात करूँगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट मीन्स होता है भूत, ठीक है ना। पास्ट मीन्स होता है भूत, इंडेफिनिट मीन्स मैंने बताया है कि अनिश्चित, और टेंस मीन्स काल, यानी कि भूतकाल में जो चीज़ें अनिश्चित हों उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जाने के लिए जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो गो होती है, यानी कि गो मीन्स होता है जाना। अगर हम उसी के सेकंड फॉर्म की बात करें तो उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट। यानी कि आप ये समझिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें अगर आपको साधारण वाक्य मिलता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस आपको मिलता है, तो वहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगानी होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, उसी तरीके से आपको सब की जो है सेकंड फॉर्म लगानी होती है। आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि जो वहाँ पे साधारण वाक्य हो, यानी कि सिंपल सेंटेंस हो, उसमें प्रश्नवाचक या नकारात्मक चीज़ें ना हो, उसी में आपको लगाना होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे वह जाता था तो ही वेंट, ठीक है ना, इस टाइप से हो जाएगा। और जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, इस टाइप से वाक्य होते हैं, यहाँ पे जाता था या गया, वह गया यानी कि ही वेंट, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। जाता था या गया, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कि केवल अगर साधारण वाक्य आपको मिले तभी आपको लगाना होता है यहाँ पे वेंट टाइप की क्रिया, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाएंगे अगर आपको सिंपल सेंटेंस लगता है तो। आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, जो हु और नेवर होता है, यानी कि हु और नेवर, यानी कि कौन कौन एक साधारण वाक्य माना जाता है और कभी नहीं, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, यानी कि हु और नेवर, जहाँ पे कौन और कभी नहीं ये आ जाए आपको वाक्य में, वहाँ पे नकारात्मक या प्रश्नवाचक नहीं मानना है, क्योंकि जो हु होता है और नेवर होता है ये दोनों चीज़ें साधारण वाक्य में मानी जाती हैं। यानी कि आपको ये समझना है कि जहाँ पे हु और नेवर आए, जहाँ पे कौन या कभी नहीं वाक्य में आए, वहाँ पे आपको वाक्य साधारण ही समझना है और आपको वेन टाइप की क्रिया ही लगानी है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, वहाँ कौन खड़ा है, तो हु स्टूड देयर, ठीक है, इस टाइप से। जैसे यहाँ पे मैं अगर जैसे यहाँ पे नेवर के लिए अगर एक एग्जांपल बात करूँ, तो जैसे वह वहाँ नहीं कभी नहीं गया था, ठीक है, तो ही नेवर वेंट देयर, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। ही डिड नॉट गो देयर, इस टाइप से नहीं होगा, क्योंकि जो नेवर होता है जो कभी नहीं होता है वो सिंपल सेंटेंस में ही आता है। इसलिए यहाँ पे आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए केवल जो है वेन टाइप की क्रिया ही प्रयोग करेंगे, यानी कि वह वहाँ कभी नहीं गया था, तो ही नेवर वेंट देयर, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए आपको मैं एक यहाँ पे और रूल बताना चाहूँगा, जो डिड और नॉट गो टाइप की क्रिया वहाँ प्रयोग होगी जहाँ पे आपको नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य लगे, यानी कि आपको जहाँ वाक्य लगे कि निगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। आपको यहाँ पे अगर वाक्य लगता है कि निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि उसमें नहीं है वाक्य में, आपको वाक्य में केवल नहीं मिलता है, तो ही आपको, जैसे वाक्य में कभी नहीं अगर साथ मिलता है तो वो साधारण माना जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, वाक्य में कभी नहीं साथ में है तब वहाँ पे आपको वाक्य साधारण मानना है। वाक्य में केवल अगर नहीं आता है, अगर वाक्य वहाँ पे आपको मानना है नकारात्मक, यानी कि निगेटिव मानना है। अगर प्रश्नवाचक की मैंने वीडियो पहले ही बना चुकी है कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन कौन से होते हैं, व्हाट
व्हेन, विच, ये सब चीज़ें, कई चीज़ें जो है प्रश्नवाचक में आती हैं, तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक आपको जहाँ पे लगे वहाँ पे आपको डिड प्लस नाट हो तो नाट, नहीं तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे है डिड प्लस नाट हो तो नाट, नाट हो तो गो के पहले ही आपका नाट आ जाएगा, यानी कि जो उसकी क्रिया होगी, जो उसकी हेल्प आप लगाएंगे क्रिया, जो उसका कर जो करना होगा, जाना होगा, खाना होगा, उसके पहले ही आपको नाट लगा देना होगा। जैसे यहाँ पे गो के पहले नाट लगा हुआ है, वैसे ही सारी क्रियाओं के पहले ही आपको नाट लगाना है, अगर नहीं है वाक्य में तो, ठीक है ना। अगर नहीं नहीं रहेगा वाक्य में तो आपको सीधे ही केवल गो लिखना है, डिड प्लस गो, ठीक है ना, कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो। चलिए मैं ये सब चीज़ें आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूँगा। आपको वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चलिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं पहले एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ, तो वह यहाँ रहता था, इसके लिए आप जैसे कि वह यहाँ रहता था, कौन वह रहता था कहाँ, यहाँ, तो ही लिव्ड हियर कर देंगे आप इसके लिए, ठीक है ना। ही मीन्स होता है वह, या उसके के तुरंत बाद पास, उसके लिए आप ही करेंगे। और रहता था टाइप की जो क्रिया होती है, मैंने आपको बताया कि जो इस टाइप की क्रिया आपको मिले वाक्य में, यानी कि आपको प्रश्नवाचक और नकारात्मक चीज़ें ना लगें, वहाँ पे आपको वेन टाइप की क्रिया प्रयोग करनी होती है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्रयोग करनी है। आपको ये समझना है वाक्य में कि जो रहना होता है, लिव मीन्स होता है रहना, उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है लिव्ड, तो यहाँ पे आपको लिव्ड प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पे करेंगे आप ही लिव्ड हियर, वह यहाँ रहता था तो ही लिव्ड हियर। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है, उसके बाद मैं उसका अगर बात करना चाहूँ, तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, वे छत पर सोते थे, कौन वे सोते थे कहाँ छत पर, तो दे स्लेप्ट, दे मीन्स होता है वे, दे मीन्स होता है वे, या उनके के तुरंत बाद पास है वाक्य में। आपको यहाँ पे वाक्य में ये देखना है कि जो वे है उसके लिए आपको इंग्लिश लगाना होता है दे, ठीक है। वे छत पर सोते थे तो दे स्लेप्ट ऑन द रूफ, इस टाइप से आप कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो दे है, ये आपको ये वाक्य में देखना है कि जो वाक्य है वो सिंपल है या फिर प्रश्नवाचक या नकारात्मक है। सबसे पहले आपको वाक्य में यही देख लेना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि हमें अगर सिंपल वाक्य मिलता है वहाँ पे आपको वेन टाइप की क्रिया लगानी होती है, अगर आपको प्रश्नवाचक वाक्य मिलता है या नकारात्मक मिलता है तो वहाँ पर आपको डिड प्लस नॉट गो टाइप की क्रिया लगानी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको पहले ये जरूर देख लेना है कि वाक्य सिंपल है या फिर नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य है। तीनों में से कोई एक वाक्य जरूर होगा, या तो सिंपल होगा, या तो नकारात्मक होगा, या तो प्रश्नवाचक होगा, या फिर सिंपल, या फिर या कहे तो साधारण, या फिर उसके बाद निगेटिव हो सकता है, या फिर इंट्रोगेटिव हो सकता है। दे स्लिप्ट ऑन द रूफ, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सिंपल वाक्य है, इसलिए यहाँ पे स्लिप्ट हुआ है, ठीक है ना। अगर वे छत पर नहीं सोते थे तो यह ऐसे हो जाता, डिड डिड नॉट स्लिप ऑन द रूफ, इस टाइप से हो जाता, क्योंकि जो डिड है वो नकारात्मक के लिए प्रयोग किया जाता है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक के लिए, तो यहाँ पर नकारात्मक हो जाता, नहीं सोते थे तो दे डिड नॉट स्लिप ऑन द रूफ, ऐसे हो जाता। चलिए यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल है, राधा वहाँ नहीं गई। मैंने आपको बताया था कि जाता था या गया टाइप की क्रिया, गई टाइप की क्रिया जो भी हो, आपको वहाँ पे आपको यही देखना है कि वाक्य कैसा है। राधा वहाँ नहीं गई, तो आपको ये तो समझ में ही आ ही गया होगा कि जो गया, जाता था या गया टाइप का क्रिया होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। आपको ये देखना है कि ये वाक्य कहीं नकारात्मक या प्रश्नवाचक तो नहीं है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि नकारात्मक तो वाक्य में मिल गया क्योंकि यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर राधा वहाँ नहीं गई, इसलिए आप यहाँ पर कर देंगे राधा डिड नॉट गो देयर, क्योंकि जो डिड होता है वो नकारात्मक यानी कि निगेटिव के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डिड नाट, मैंने आपको बताया है कि आपको नाट जो प्रयोग करना है, जो उसकी क्रिया होगी, जैसे जाना, यहाँ पे जो उसका जाना है, यानी कि गया यानी कि जाना टाइप की क्रिया है, तो यहाँ पे आपको गो के पहले ही नाट लगा देना है, तो ही डिड राधा डिड नाट गो देयर, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है, वे वहाँ कभी नहीं आते थे। मैंने आपको बताया है कि वाक्य में अगर कभी नहीं आ जाए तो ये सिंपल माना जाता है, ठीक है ना। कभी नहीं का मतलब होता है नेवर, ठीक है ना। नेवर जो होता है वो वाक्य को सिंपल हम कहते हैं, भले ही इसमें नहीं है लेकिन इसके साथ जो कभी जुड़ा हुआ है इसलिए हम वाक्य को सिंपल मानेंगे, यानी कि नेवर जो होता है वो सिंपल होता है। तो यहाँ पे दे नेवर केम हियर हो जाएगा, जो कम का जो सेकंड फॉर्म होता है वो केम होता है, ठीक है ना। तो वे यहाँ कभी नहीं आते थे तो दे नेवर केम ही केम देयर, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ है इसलिए देयर हो जाएगा। पाँचवा एग्जाम्पल हमारे पास है, वे यहाँ सुबह आए, कौन वे आए कहाँ यहाँ सुबह, तो दे केम हियर। मैंने आपको यह ये बताया कि वाक्य को आपको देखना है कि कौन सा वाक्य है,
ये आपको वाक्य दिख रहा है कि सिंपल है, इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है, ये वाक्य सिंपल वाक्य है। वे यहाँ सुबह आए तो दे केम हियर इन द मॉर्निंग, सुबह आए यानी कि सुबह में आए, इसलिए यहाँ पे आपको लगा देना होता है इन द मॉर्निंग, यानी कि जो सुबह होती है वो निश्चित होती है। किसी चीज़ को किसी चीज़ का अगर निश्चित होना होता है तो वहाँ पे आप खुद के लिए सॉरी जो चीज़ निश्चित होती है उसके लिए उसके पहले ही आपको द का इस्तेमाल कर देना होता है। जैसे सुबह निश्चित है तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग हो गया। चलिए, क्या वे झूठ बोलते थे? तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो क्या वे झूठ बोलते थे, इस टाइप की जो क्रिया होती है इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले ही आ जाती है और जो कर्ता होता है वो बाद में चला जाता है। जैसे अगर आप वाक्य में ये माने कि वाक्य में क्या नहीं है, तो ऐसे वाक्य को आप करेंगे कि वे झूठ बोलते थे तो दे टेल अ लाई हो जाएगा। वे झूठ नहीं बोलते थे, क्या वे झूठ नहीं बोलते थे, तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या के लिए आपको दो नंबर को पहले ही कर देना होता है, यानी कि कर्ता को आपको पहले कर देना होगा, फिर एक नंबर आपका बाद में चला जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा डिड दे टेल अ लाई, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे उसके लिए हमारे पास सातवां एग्जाम्पल है, उसे किसने गाली दी, उससे मैंने आपको बताया है कि कौन या किसने के लिए आपको हु का इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पे हु है, हु एब्यूज्ड हिम हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि जो हु होता है यानी कि जो कौन होता है वो सिंपल वाक्य माना जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको हु कर दे एब्यूज्ड कर देना होगा, क्योंकि जो किसने होता है और कौन होता है उसको हम सिंपल मानते हैं, इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य नहीं मानते हैं, ठीक है ना। हु और नेवर को हम सिंपल ही मानते हैं, तो हु मीन्स होता है कौन या किसने, इसलिए यहाँ पे किसने के लिए हु आया। और इसके साथ जो क्रिया लगी वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी, यहाँ पे डिड का आप प्रयोग नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हु एब्यूज्ड हिम, इस टाइप से हो जाएगा। हमारे पास जो आठवां एग्जांपल है, राधा उसे अपनी कलम नहीं देती थी, तो कौन राधा नहीं देती थी उसे अपनी कलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके लिए आपको ये कर देना होगा, तो राधा डिड नॉट, यहाँ पे आपको ये देखना है कि वाक्य जो है निगेटिव है, तो राधा डिड नॉट गिव। मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी क्रिया होती है जो जो करना होता है उसका, उसके पहले ये नॉट लगता है, तो यहाँ पे जो करना है उसका वो देना है, इसलिए यहाँ पे गिव के पहले ही नॉट आ जाएगा, तो राधा डिड नॉट गिव हिम हर पेन हो जाएगा। यहाँ पे राधा के लिए अपने में हर होता है, मैंने आपको बताया था कि अपना और स्वयं या अपने आप के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग करनी होती है, ये अच्छे तरीके से मैंने आपको पहले ही वीडियोज़ में बता चुका है और अच्छे तरीके से वहाँ के कवर करवा चुका हूँ मैं, और बता भी चुका हूँ कि आपको किसी जैसे ही सी हो फिर या यू दे आई सब के साथ आपको अपने के लिए क्या प्रयोग करना होता है और स्वयं या अपने आपके लिए उसमें क्या प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे राधा है, तो राधा एक स्त्री है या किसी लेडीज़ का नाम अगर है, वहाँ पे अपने के लिए आपको हर का प्रयोग करना होता है और स्वयं या अपने आप के लिए वहाँ पे हो तो वहाँ पे हर सेल्फ आप प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे राधा के लिए अपने में हर का प्रयोग होगा, इसलिए हर पेन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, आप जो है चैनल पर जाकर सारे वीडियोज़ को देखते आए तभी जो है चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, अन्यथा आप थोड़ी बहुत दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ सारा कुछ बेसिक से लेके चल रहा हूँ, अगर आप देखते आएंगे चीज़ों को तभी जो है चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं ये बार बार आपसे कहता आया हूँ और काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, कौन मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, तो आई डिड नॉट कॉल हिम हियर, क्योंकि मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया तो मैंने के लिए यहाँ पे आई होगा, तो आई डिड नॉट कॉल हिम हियर, इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास दसवां एग्जांपल है, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल और हमारे पास बचे हुए, ये आप देख लीजिए फिर जाइएगा। राहुल यहाँ कैसे पहुँचा, तो हाउ मिस होता है कैसे, तो हाउ डिड हो जाएगा, क्योंकि जो हाउ होता है वो प्रश्नवाचक होता है, तो हाउ डिड राहुल रीच हियर, इस टाइप से हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 11वां एग्जांपल है, वे शहर में रहते थे, कौन वे शहर में रहते थे, तो दे लिव्ड इन दिस सिटी, वे शहर में रहते थे यानी कि दे लिव्ड इन दिस सिटी हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि जो वे शहर में रहते थे ये वाक्य जो है वो आपको क्या लगता है, यहाँ पे जो वाक्य है वो सिंपल है, ठीक है ना। वे शहर में रहते थे क्योंकि इसमें न तो नहीं का प्रयोग हुआ है न तो कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है, इसलिए नकारात्मक और प्रश्नवाचक नहीं है, तो यहाँ पे आपको रहना के लिए लिव्ड हो जाएगा, तो दे लिव्ड इन दिस सिटी, इस टाइप से हो जाएगा। और हमारे पास जो 12वां एग्जांपल है यहाँ पे ये है, उन्हें वे यहाँ कभी नहीं आते थे, तो दे नेवर केम हियर, ये आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसे कौन जानता था, हु न्यू देम, नो मीन्स होता है जानना, उसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो न्यू होता है और थर्ड फॉर्म नोन होता है, ठीक है ना। कुछ जो क्रियाएँ हैं वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ,
और जो कुछ क्रियाएं बाकी हैं उसको मैं आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और उसकी हिंदी मीनिंग के साथ में मैं सेकंड पार्ट उसका लेके आऊँगा। पहला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया है, उसमें मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, यानी कि जो क्रियाएं होती हैं, जाना, रहना, खाना, सोना, बैठना, उठना, इसकी जो इंग्लिश होती है और उसकी जो हिंदी होती है, मीनिंग होती है, क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। और आने वाली वीडियो में जो कुछ बाकी हैं चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैंने नो का नहीं बताया हुआ था, तो जो इम्पोर्टेंट अभी बाकी हैं वो मैं सेकेंड पार्ट में लेके आऊँगा वीडियो, तो वो भी मैं कवर करूँगा। क्योंकि ये जो ग्रामर का जो बेस होता है ये यही होता है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं पता होगा, तो आप चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर उन्हें कौन जानता था, तो उसके लिए यहाँ पर हु न्यू हिम हो जाएगा। उसने तुम्हें क्या दिया, क्या के लिए यहाँ पे व्हाट होता है, तो व्हाट डिड ही गिव यू, ठीक है ना, व्हाट डिड ही गिव यू, यहाँ पे उसने तुम्हें क्या दिया है, इसलिए यहाँ पे डिड आया हुआ है, उसके बाद ही है, उसके बाद गिव है, फिर यू है, व्हाट डिड ही गिव यू। चलिए, उन्हें कौन नहीं जानता था, उन्हें कौन नहीं जानता था, हमारे पास इसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हमारे पास दो एग्जाम्पल और बचे हुए हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, चलिए, क्योंकि मेहनत लगती है बहुत सारी वीडियो बनाने में, अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा और जो है उत्साह बढ़ेगा और हम जो है और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाएंगे। उन्हें कौन नहीं जानता था, तो कौन के लिए मैंने आपको बताया कि जो हो कौन नहीं है, यहाँ पे ये आप देखिए, कौन अगर वाक्य में होता केवल कौन, उन्हें कौन जानता था, तो हु न्यू देम हो जाता, कौन नहीं जानता था, नहीं आ गया वाक्य में। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन तो सिंपल है, साधारण वाक्य माना जाता है, लेकिन वाक्य में नहीं भी आया है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हु डिड नॉट नो देम, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए, मैंने उसे यहाँ स्वयं देखा, मैंने उसे यहाँ स्वयं देखा, तो मैंने के लिए स्वयं में होता है माई सेल्फ, ठीक है ना, तो आई सा हिम हियर माई सेल्फ हो जाएगा। उससे मीन्स यानी कि हिम मीन्स होता है उससे, उसको, तो आई सा हिम हियर माई सेल्फ हो जाएगा, और आई के साथ स्वयं में अपने आप में माई सेल्फ का यूज होता है, ये आपको पता होगा, तो मैं बता भी दिया आपको, तो आई के साथ माई सेल्फ, स्वयं में अपने आप के लिए, मैंने उसे यहाँ स्वयं देखा, आई सा हिम हियर माई सेल्फ। उसके बाद वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक बाकी हैं, अभी सारा कुछ मैं कवर करूँगा। आगे आने वाली वीडियो में जो जो कुछ भी हमें इंपॉर्टेंट लगेगा कुछ अलग से बताने के लिए, वो भी मैं बताता चलूँगा। और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके अगले टॉपिक के साथ में, आपके साथ फिर एक मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।